हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट राजा ताहिर अहमद। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल बताऊंगा कि आपने युगांडा का विजिट वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। अगर आपको ABCD भी नहीं आती, जिस तरह मैं सारा करूंगा उस तरह आप उसको फॉलो करो, तो 5 मिनट के अंदर अंदर आप युगांडा का वीज़ा अप्लाई कर दोगे और मैक्सिमम 2 to 3 days यू विल रिसीव योर वीज़ा। ओके, तो मैं अभी आपको साथ साथ दिखाता हूँ, आपको समझाता हूँ, जैसे जैसे मैं करूँगा उस तरह आपने उसको फॉलो करना है, ठीक है? तो आइए चले, मैं अब आपको वीडियो की तरफ लेके जाता हूँ। ई वीज़ा, तो ये जो सबसे ऊपर वेबसाइट है इस पे आपने क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, फ्रंट पेज पासपोर्ट की कॉपी होनी, फ़ोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़ टिकट होनी चाहिए, येलो फीवर होटल बुकिंग होनी चाहिए या इनविटेशन लेटर होना चाहिए, होस्ट का पासपोर्ट होना चाहिए, या जब आप होटल बुकिंग करवाते हो तो वो आपको अपना पेज दे देते हैं उसकी कॉपी होनी चाहिए, ठीक है? ये जो है 6 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, या प्रोसेस में आए ये visas.immigration.go.ug युगांडा की इमिग्रेशन की वेबसाइट है। आपने आना है स्टेप न्यू एप्लीकेशन, इस पर क्लिक किया। ये कुछ इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब इसको आपने एक्सेप्ट करना है। अब इधर है वीज़ा और परमिट टाइप। एक है एंट्री परमिट, स्टूडेंट पास, इंडिपेंडेंट पास, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस, स्पेशल पास और वीज़ा। एंट्री परमिट होता है कि अगर आप किसी थर्ड कंट्री जा रहे हो तो आपने एंट्री करनी है युगांडा से। स्टूडेंट पास जो यहाँ रहते हैं फॉरनर्स स्टूडेंट्स, उनके लिए। डिपेंडेंट पास होता है कि अगर आप अकेले हो और युगांडा में रहना चाहते हो। सिटीजनशिप आपको बहुत अच्छे से पता, आफ्टर 10 ईयर्स। सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस, दैट वन इज नॉट रिलेटेड टू आवर टॉपिक। एंड द स्पेशल पास इज अ लाइक अ वर्क परमिट, बट हमें क्या चाहिए, वीज़ा। हमने वीज़ा पे क्लिक किया। उसके बाद वीज़ा की कैटेगरी है, एक है मल्टीपल एंट्री वीज़ा। इट्स मीन कि आप युगांडा में एक से ज़्यादा बार आना चाहते हो, जाना चाहते हो, ठीक है? ट्रांजिट वीज़ा, जैसे आपको पता है यूरोप वगैरह जाते हुए। ईस्ट अफ्रीका वीज़ा, ईस्ट अफ्रीका वीज़ा पूरे ईस्ट अफ्रीका का है, जिसके अंदर रवांडा, तंजानिया, कॉन्गो, सूडान, इस तरह करके कंट्रीज आती हैं। उसके बाद हो गया युगांडा ऑर्डिनरी टूरिस्ट वीज़ा, वी वांट डैट वन, ओके, क्योंकि ऑर्डिनरी टूरिस्ट वीज़ा से फेक बारी होता है। उसके बाद इन्होंने ये लिखा हुआ है रीज़न ऑफ डेस्टिनेशन, कवर लेटर, इमिग्रेशन स्टेटस, इन्विटेशन लेटर, रीसेंट पासपोर्ट साइज, येलो फीवर, रिटर्न सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल रिटर्न, इन्विटेशन लेटर, कॉन्फ्रेंस बायो, ETC, वट एवर। वी डोंट नो अबाउट दिस थिंग, वी नो हाउ टू अप्लाई, सिंपल इज दैट, ओके। एप्लीकेशन फीस, इवन आई नो ईच एंड एवरी थिंग, आई विल शो यू ऑल द प्रोसेस, ओके। एक मैं आपको दिखाऊंगा, इसके अंदर ये 5-10 चीज़ें लिखी हैं, हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मेन चीज़ें चाहिए, और 100% वीज़ा आपको मिलेगा, ये गारंटी है। एप्लीकेशन के नेक्स्ट स्टेप में गए, इधर आ गया डू यू वांट टू एसोसिएट ग्रुप, नो वी डोंट वांट एनी ग्रुप। इधर मैंने लिख दिया राजा, अपना गिवन नेम, ताहिर मैंने लिख दिया सर नेम। उसके बाद मैं डेट ऑफ बर्थ पे आ गया, डेट ऑफ बर्थ मैंने कोई भी चूज़ कर ली, जैसे 1990 दिसंबर, एनी, ओके। उसके जो आप लोगों की आपने वो लिखनी है, ठीक है? जेंडर जो है मैं मेल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ओके। देन मार्शल स्टेटस, मैं मैरिड हूँ लेकिन रैंडमली ट्राई कर रहे हैं, मैंने सिंगल लिख दिया, या चले मैरिड लिखूंगा तो फिर वो वाइफ का नाम पूछेगा, इसलिए सिंगल है। अगर वाइफ देख रही है तो गुस्सा ना करें। करंट नेशनैलिटी मेरे पास पाकिस्तानी है, और उसके बाद डुअल नेशनैलिटी आई डोंट हैव। फॉर्मर नेशनैलिटी इफ एप्लीकेंट फॉर्मर, मेरे पास पाकिस्तान हूँ मैं, पैदा हुआ हूँ, कुछ भी लिख दो, इस्लामाबाद लिख दो, ठीक है? जिधर आप पैदा हुए आपने वो लिखना है, मैं रैंडमली कर रहा हूँ इसलिए। कंट्री ऑफ बर्थ मेरी पाकिस्तान है, मेरा पाकिस्तान में क्या स्टेटस था, मैं सिटीजन था। कंट्री ऑफ रेजिडेंस मेरी पाकिस्तान है, सिटी ऑफ रेजिडेंस मेरी XYZ है, करंट रेजिडेंट XYZ है। उसके बाद फ़ोन नंबर, अपना फ़ोन नंबर कोई भी दे दो, मैंने ये दे दिया। उसके बाद उसने ईमेल आईडी पूछा, अपना ईमेल आईडी देना है, मैं ओ क्यू ईमेल आईडी लाजमी देना है, इसके ऊपर आपको मेल आएगी, आपकी पेमेंट की आएगी और वीज़ा की आएगा। मैंने क्लिक दिया MNOPQUR, आपका जो होगा वो लिख देना है, @gmail.com कर देना है, ठीक है? उसके बाद वही ईमेल आपने यहाँ लिख देना है, और उसके बाद @gmail.com कर देना है।
और उसके बाद वो पासपोर्ट की टाइप पूछेगा, मेरा ऑर्डिनरी पासपोर्ट है। और उसके बाद वो पासपोर्ट नंबर पूछ रहा है, मैं कुछ भी लिख देता हूँ, JS 1357 व्हाटएवर है। इंश्योरेंस कंट्री जो है वो मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान से बनता है, और इंडिया वाला इंडिया जिसका जहाँ से हो। इश्यू कंट्री जो है मेरा हुआ है, आप ये कह लो कि नवंबर में हुआ है, नवंबर की 7 को हुआ है। डेट ऑफ एक्सपायरी जो है मैंने फॉर एग्जांपल 10 साल का बनवाया, तो मेरी 23 से 33 हो गई और नवंबर हो गई और 6 को, ठीक है। इधर आपने अपना डाटा फिल करना है, प्रीवियस पासपोर्ट आई डोंट हैव, ओके। उसके बाद आपने इसको नो कर देना है। उसके बाद आपको कौन बुला रहा है, जैसे मुझे बुलाया कंपाला में होटल है, आकाशिया होटल लिख लें या जो भी लिख लें, न्यू विजन होटल लिख लें, न्यू विजन होटल, ठीक है, जहाँ की आपकी होटल बुकिंग होगी। ट्रेवल हिस्ट्री आई डोंट हैव। उसके बाद पर्पस ऑफ वीज़ा, मैं अपने दोस्तों को मिलना आना चाहता हूँ, मैं टूरिज्म हूँ, ठीक है। आपने अगर तो आपका कोई दोस्त है तो आप फॉरेन लिख दो, अदरवाइज अदर भी लिख दो, नो प्रॉब्लम। अदर पर्पस ऑफ वीज़ा टूरिज्म, सिंपल इज डैट। उसके बाद उसने पूछा कब आना है, मैं आना चाहता हूँ आज से 4 दिन बाद। आप पॉइंट ऑफ एंट्री लिखा है, पॉइंट ऑफ एंट्री कहाँ से एंटर होगी, इंटेबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मैं एंटर होऊंगा। उसके बाद कितनी देर के लिए आ रहे हो, मैं 3 मंथ के लिए आ रहा हूँ, और इधर मंथ लिख देना है। अगर डेज में आना है 3 दिन के लिए तो 3 दिन लिख देना है। उसके बाद हैव यू बीन डिनाइड अ वीज़ा बिफोर, नो और नो, कि आपको कभी किसी ने निकाला, वीज़ा रिजेक्ट हुआ, कोई जुर्म किया है कंट्री में, नो। एनी क्रिमिनल, नो। आर यू सफरिंग विद मेंटल इलनेस, नो नॉट एट ऑल। और उसके बाद आपने कंफर्म कर दिया, उसके बाद आप इधर आ गए, और उसके बाद आपने कर दिया नेक्स्ट स्टेप, ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों इसने क्या दिया है कि ईमेल की वैल्यूज़ नहीं मिल रही, क्योंकि ईमेल मैंने रेंडमली लिखा है तो इसलिए नहीं मिलेगी। देख रहे हो इधर 1 आना था, मैंने आई लिख दिया। सो नाउ वी विल नेक्स्ट स्टेप प्रेस अगेन, ओके। अब उसने देख लो आपके सामने पूछा पासपोर्ट का पहला पेज, पासपोर्ट साइज फोटो, कवरिंग लेटर डिटेल, कवरिंग लेटर मीन विजिटर बुकिंग, होटल बुकिंग, एवरीथिंग है। वैक्सीनेशन येलो फीवर, वैक्सीनेशन येलो फीवर दोस्तों, जैसा कि ये हो गई आपके सामने डेस्कटॉप पे, मैंने येलो फीवर की मैंने वो लगा दी। उसके बाद उसने पूछा मुझसे पासपोर्ट साइज फोटो, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन फोटोज़ को या चलो कोई नहीं, ठीक है। कवरिंग लेटर उसने मांगा, तो मैंने कवरिंग लेटर की बारी क्या किया कि मैं डेस्कटॉप पे गया, मैंने कवरिंग लेटर बनाया हुआ था, मैंने वो कर दिया। होटल बुकिंग करनी, होटल बुकिंग कर दो। उसके बाद अब उसने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मांगी है, ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके पास जो पड़ी हुई है, अब वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो दे दें जो आपकी हो। उसके बाद उसने पासपोर्ट साइज़ पेज मांगा, ठीक है, जो आपका पासपोर्ट है आप उसका पेज दे दो, ठीक है। तो सिंपल इज डैट, मैंने पासपोर्ट का पेज दे दिया। और उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने बोला नेक्स्ट स्टेप, मैं नेक्स्ट स्टेप पे चला गया। उसने सारी डिटेल मुझसे पूछी कि राजा ताहिर पाकिस्तान, ये सारी एक बार आपने चेक कर लेना, आपने सारा मैच कर लेना। जैसे इसके अंदर जो मेन चीज़ होती है वो नेम होता है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखी आती है, और डेट ऑफ बर्थ, नेम, पासपोर्ट नंबर और एक्सपायरी डेट, उस चीज़ को आपने कंफर्म कर लेना है। अगर ऑल आर ओके देन सबमिट, ओके। जब आप सबमिट करोगे दोस्तों, ये आपको रेफरेंस नंबर आ जाएगा, ये रेफरेंस नंबर की फ़ोटो बना लेनी है, वैसे तो आपके ईमेल आईडी पे भी आ जाएगा, ठीक है, लेकिन फ़ोटो बना लिया करो। उसके बाद पेमेंट मोड पूछा, मैंने कहा पेमेंट ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, उसने कहा पे नाउ, ओके। बेसिकली जो पेमेंट है ना वो $50 प्लस 150 चार्जेस हैं, ओके, मीन $51.50 है। अब ये मुझे लेके जा रहा है पेमेंट मेथड की तरफ, योर एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑप्शन हैज बीन सेव सक्सेसफुली, नाउ यू विल बी डायरेक्टेड टू द बैंक पे गेट अवे, डू यू एक्सेप्ट, ऑलवेज आई नो आई विल एक्सेप्ट, ओके। अब इसके बाद दोस्तों ये थोड़ा मे बी नेट का प्रॉब्लम आ रहा है या आई डोंट नो क्या, तो अब ये देख रहे हैं थोड़ा स्लो है, तो अब ये पेमेंट का मेथड देगा, पेमेंट मेथड एट दिस टाइम नेटवर्क में भी स्लो है। तो आपने क्या करना है, सिंपल पेमेंट करनी है और आपका सबमिट हो जाना, आपको मेल आ जानी है, ठीक है। अगर किसी को समझ नहीं लगती वो मुझसे कमेंट में पूछ ले, मैं उसको बता दूंगा, समझा दूंगा, बस
बस इतनी सी चीज है। और ये आपको दो मिल जाएंगी, एक पेमेंट की, एक एप्लीकेशन सबमिट की, एक पेमेंट रिसीव की, और थर्ड वन इज अ वीजा। ओके, तो ये सारी चीज थी, इसको चलें ओके करें। अब इसको क्या करते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम पे दोबारा चले, मैं ट्राई मारता हूँ एक्सेप्ट। ये देख लें, ये मास्टर पे आ गया, मैंने वीजा पे करना है, ये सारा स्टेप है, ठीक है। उसने कहा इधर पे कर दो, इधर अब मैं सारा अपने पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन दूंगा। ऊपर आ गया, ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये वीजे का नंबर, और ये सब करने के बाद सिर्फ आपने सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे, उसके बाद आपको तकरीबन 2 मिनट के अंदर अंदर मेल आ जाएगी, उधर से फिर आप अपना वीजे का स्टेटस चेक कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। वो भी मैं आपको बता दूंगा आपने कैसे चेक करना है, अदरवाइज 3-4 दिन बाद देखना आपको वीजे का नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये तो सबमिट हो गई एप्लीकेशन, अब इसको कर दो एग्जिट, ट्राई अनदर वन बट वी डोंट वांट। ओके एवरीवन, सिर्फ ये चीज़ थी जो मैंने आपको बतानी थी, डोंट फॉरगेट दिस 3-4 थिंग्स। ओके, अच्छा, तो दोस्तों मैंने लास्ट स्टेप जो है वो स्किप किया। स्किप इसलिए किया कि उसके अंदर वो पेमेंट मेथड मांगता है। पेमेंट मेथड क्या चीज़ है कि आप जब उसके ऊपर क्लिक किया, वो सामने आपके आ जाएगा, जिसके अंदर आप अपने डेबिट कार्ड का या क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन देंगे, उसके बाद ओके करेंगे। जब आप ओके करेंगे तो इनडायरेक्टली आपको दो मेल जाएंगी, एक मेल वीज़ा रिसीव की, एक मेल आएगी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट की, और एक आएगी पेमेंट रिसीव की। जब आप पेमेंट कर लेते हो, उसके 2 से 3 दिन बाद आपको वीज़ा मिलता है, ठीक है। जहाँ तक मैंने आपको बता दिया, उसके बाद आपने पेमेंट करनी है, सबमिट कर देना है, ठीक है। और अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना लगे तो आप कमेंट्स में पूछो, मैं आपको गाइड करूँगा। और आपसे सिर्फ एक फेवर चाहिए कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, नई वीडियोस को आगे अपने दोस्तों तक शेयर करें। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।